आपका एक बार फिर नई शुरुआत के साथ, मैं आपके साथ इसराइल चौधरी, जनादेश टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। सफ़र लगातार हमारा जारी है और इस वक्त हम वार्ड नंबर 30 पर पहुंच चुके हैं। यहां से अपनी दावेदारी पेश कर रही है गंगा, जो पूरी मजबूती के साथ इस वार्ड पर अपने प्रतिद्वंदियों को जो है टक्कर दे रही हैं। लेकिन उस चुनाव का जो जिम्मा है, जो उस चुनाव को कंधों पर लेकर चल रहे हैं, हाजी मोहम्मद जुल्फकार, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वार्ड पर क्या समस्याएँ हैं, किस तरह का विकास इस वार्ड पर होना है। 2 से 3 सवालों के साथ हम उनसे जानकारी लेंगे और जानने की यह भी कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में उनकी क्या उपस्थिति है, किस तरह का चुनाव उनका चल रहा है, आम आदमी क्या कह रहे हैं, महिलाएँ क्या कह रही हैं और युवाओं का क्या रुझान इस वार्ड पर है और किस तरह का चुनाव उनका चल रहा है। जुल्फकार जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका वार्ड किस तरह से जो है समर्थन आपको दे रहा है, किस तरह का जन समर्थन आपको इस वार्ड पर मिल रहा है? समर्थन जो है जी, बहुत अच्छा मिल रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया जी। जी बहुत बढ़िया समर्थक मिल रहा है जी। अच्छा ये बताइए, इस वार्ड पर कुल वोट कितना है? ये 5200 है जी, 5200 इस पूरी वार्ड नंबर 30 पर। हाँ 5200 है जी। 17-18 नहीं, हमारे गांव का जो है ना। नहीं, मैं पूरे वार्ड का। हाँ टोटल पूरे वार्ड का टोटल तो 18000 वोट है सर। 18000। अच्छा यहाँ पर प्रत्याशी कितने हैं अभी? 6 हैं जी। 6 प्रत्याशी। 6। जुल्फकार जी, इस वार्ड पर समस्याएं क्या क्या हैं? इस वार्ड पर जैसे सड़कें, नाली, आम आदमी किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है यहाँ पर? बस देखो जी, दिक्कत तो यहाँ सड़कों की भी है और पानी वगैरह की है भाई साहब, जैसे नलके वगैरह और साफ सफाई की, मतलब कोई ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पे। तो अगर अल्लाह ने हमें कामयाब कर दिया तो इंशाल्लाह पूरा काम करेंगे, विकास करेंगे। गंगा को आप चुनाव लड़ा रहे हैं, महिलाओं में किस तरह का समर्थन मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिल रहा है जी, बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है भाई साहब। युवाओं का क्या रुझान है? युवाओं का भी रुझान हमारी तरफ ही है जी, बहुत बढ़िया। लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं, समस्या भी देख रहे हैं, यानी कल अगर इस वार्ड वासियों ने आपको मौका दिया, गंगा को अगर यहाँ से जो है चुना, तो जुल्फकार जो है किस तरह से मेहनत करेंगे इस वार्ड वासियों के लिए? भाई साहब बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे, विकास करेंगे और बढ़िया करके, ऐसा नहीं है सर। ठीक है, सुबह सुबह आप निकल गए, लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो अक्सर क्या होता है जब चुनाव जीत लिया जाता है, जीतने के बाद जो वादे किए जाते हैं वो वादे भुला दिए जाते हैं, क्या जुल्फकार भी ऐसे ही करेंगे अगर कल गंगा जो है चुनाव जीती यहाँ से? भाई साहब मैं, हम कोई ऐसे नेता तो है नहीं, हम तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लूटने खाने वाला मामला नहीं है हमारा, हमें तो सेवा करनी पब्लिक की। ठीक है, नहीं हमें तो सेवा करनी पब्लिक की। ठीक है, नहीं हमें कोई हमारा ऐसा मामला नहीं है जी। ठीक है कि भाई हम नेता है या कोई इस तरह का मामला है, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें तो पब्लिक की सेवा करनी है भाई साहब। जो यहाँ से पहले चुनाव जीत कर गए, जो यहाँ पर रहे, जिन्होंने इस वार्ड को देखा, जनता ने जिनको चुना, उन लोगों ने यहाँ पर विकास कार्य किए कि नहीं किए, क्या किया भाई साहब? बहुत कम, 10% नाम मात्र के लोग, इसलिए पीछे भाग गए वो लोग, उनका नाम लेने वाला नहीं आज कोई, काम हुआ ही नहीं भाई साहब। अपनी पूरी टीम के साथ क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, अभी तक कहाँ कहाँ तक कवर किया? क्षेत्र में घूम रहे हैं, डेली जा रहे हैं, बिझोली, पीरपुरा, गादोरोना, जैनपुर, भगवानपुर, एक एक घर में जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपना। मुकाबला किस तरह का नज़र आ रहा है? लगता है कि चुनाव में एक अच्छी उम्मीद, एक अच्छी आस है आपको, आपको लगता है कि आपको वार्डवासी आपको पूर्ण तरीके से अपनाएंगे? बहुत बढ़िया है जी, स्थिति बहुत बढ़िया है जी। अच्छा हाँ जी, ये तो जनता की आवाज़ ही बता दे जी, आप गाँव में किसी दूसरे गाँव में सर्वे कर लो आप, ठीक है, और उसके बाद बता देना हमें, जनता ही बता देगी अपना अभी सर स्थिति, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, अल्लाह ने चाहा था हमें। ठीक है, जुल्फकार का क्या प्लान है अगर गंगा पावर में, भविष्य का प्लान क्या है इस क्षेत्र में? भाई साहब जो है ना, मतलब जो मेरा क्षेत्र है ना, अपना चमन बना दूंगा अल्लाह ने अगर चाहा, चमन बना दूंगा इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा, ये मौका मुझे दे दिया। जुल्फकार जी, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं क्षेत्र की, आपसी झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाते हैं, उनसे किस तरह निपटा जाएगा, क्योंकि थाने पुलिस हो जाती है मिनटों सेकंडों में? सर उनका साथ देंगे हम, जो भी कोई ऐसा मामला होगा, आधी रात तैयार है हम पब्लिक के लिए। ठीक है सर, आधी रात तैयार है पब्लिक के लिए, कोई किसी की समस्या हो आधी रात आ जाओ तुरंत। इस पूरे क्षेत्र में आपके जो है क्या समीकरण बन रहा है जीत का, दलित और मुस्लिम का गठजोड़ है, किस तरह का समीकरण बन रहा है भाई साहब? समीकरण तो यह है, हमें तो सभी लोग वोट दे रहे बेचारे, सर्व समाज का समर्थन पूरा। क्या
हिंदू मुसलमान सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है जी, इंशाल्लाह फुल समर्थन मिल रहा है जी। क्या कहेंगे आम वार्ड वासियों को, क्या कहना चाहेंगे पूरे क्षेत्रवासियों को? बस कहना तो ये सर, हमारी जो है ना मदद करो इसमें, और जो हमारे लायक सेवा होगी हम तैयार है आधी रात को भी। जुल्फकार जो यहाँ से इस पूरे चुनाव की देख रेख कर रहे हैं, जो अपना पूरा जिम्मा अपने कंधों पर लेकर इस चुनाव में जा रहे हैं, और जनता का जिस तरह से अपार जन समर्थन उनको मिल रहा है, ये उनकी जो है ज़ुबान पर साफ झलक रहा है। चलिए एक भाई साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ थोड़ा सा राय ले लेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा मोहम्मद दिलसाद। आप काफ़ी देर से यहाँ जनता की सेवा कर रहे हैं, तो ये अगर जनता ने मौका दिया तो ये सेवा लगातार जारी रहेगी या कुछ समय के लिए? इंशाल्लाह जारी रहेगी हमेशा के लिए, लगातार जारी जी इंशाल्लाह। चलिए एक बुजुर्ग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप क्षेत्र में जा रहे होंगे, क्या कह रहे हैं युवा बुजुर्ग, क्या कह रहे हैं? नहीं जी, इस क्षेत्र में बहुत अच्छी काम चल रहा है और बहुत ही बहुत आपको बधाई दे रहे हैं, और हम जहाँ भी जा रहे हैं वहीं स्वागत कर रहे हैं, और पूरी पूरी आशा हम इंशाल्लाह हम जीतेंगे और विकास भी करेंगे जो हम उनसे। आपका नाम क्या है भाई साहब? मोहम्मद इंतजार। इंतजार भाई, क्षेत्र में आप जा रहे होंगे, युवाओं का क्या रुझान है इस वार्ड पर? युवाओं का हमारे कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा रुझान है जी, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। पांच गांव में सब ये कह रहे हैं कि भाई जुल्फकार भाई को हम वोट देंगे, हमारे नज़रे में तो ये आ रहा है जी। जहाँ भी हम जा रहे हैं ना, वहाँ हमारे कैंडिडेट का ही ज़्यादातर ध्यान आ रहा है जी, इसलिए हमें जो उनसे गांव में जा रहे सब हमारे कैंडिडेट का ही नज़र आ रहा है जी। तो लग रहा है आपको अगर कल बिल्कुल लग रहा है जी, तो जो है विकास होगा, बहुत बढ़िया विकास होगा जी, ऐसा विकास आज तक नहीं हुआ होगा। अगर हमारे कैंडिडेट जीत गए तो ऐसा विकास आज तक नहीं हुआ होगा जैसा आपको। भाई साहब का नाम क्या है? वसीम। वसीम भाई जी, जा रहे हैं क्षेत्र में? नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं जी। और क्या कह रहे हैं युवा, क्या सुनने को मिल रहा है? जी जी बताइए बताइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब बढ़िया बता रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं, मतलब जुल्फकार भाई के बारे में क्या बता रहे हैं? वैसे जुल्फकार चाचा को लगा रहे जी, सपोर्ट इसे करो, प्रसार कर रहे हैं। भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड में जा रहे हैं, क्योंकि जहां तक प्रत्याशी नहीं पहुंचता वहां तक प्रचारक पहुंच जाता है। भाई साहब, प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं वार्ड नंबर 30 पर जुल्फकार भाई का, किस तरह का जो है आपको देखने को मिल रहा है माहौल? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, तो आपने यहाँ हमारे पास आए, और हम जो है ना अब जैनपुर के अंदर जाते हैं जी इधर, और हम भाई जुल्फकार के और हमारे चाचा लगते हैं वैसे हैं, तो फुरकान भाई के बारे में जाते हैं, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि ठीक है भाईजान, आपको वोट देंगे और सहयोग पूरा है हमारा। खेल जाऊंगा जनता की हर बात को अपनी जान पर, जनता का भी हक बनता है कि मोहर लगाए कप प्लेट के निशान पर। बस ये तो कहना था मेरा जी भाई साहब, यही कहना था जी। देखिए अपने शायराना अंदाज में इन्होंने अपनी बात पूरी की। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ वार्ड नंबर 30 से जनादेश टीवी इंडिया के लिए, मैं इसराइल चौधरी, नमस्कार।